ब्रॉट टू यू बाय टेक्नो स्पार्क 20 सीरीज स्मार्टफोन्स। हम लोग के पास कोई आए हैं कि किनके लिए मन बनाए, किन्हीं से भेंट नहीं है, दर्शन नहीं है, तो किनका मन बना दे? आज 10 बरस कोई संसद जीते आए हैं? हाँ, हम मौजूद हैं गया संसदीय क्षेत्र के मझौली गांव में, और मेरे पीछे आप दृश्य देख सकते हैं, ये जसथ माझी के गांव से कुछ ही दूरी पर है और पहाड़ों से घिरा हुआ ये गांव। लेकिन खूबसूरती तो है, लेकिन आप देखिए गरीबी भी देखिए यहाँ की, और जिस प्रकार से ये घर बने हुए हैं, हालांकि कुछ पक्के अधपक्के घर हैं यहाँ पर, इंदिरा आवास के भी कुछ निशान मिल रहे हैं, लेकिन बेहद गरीबी और हम कह सकते हैं कि अभाव में लोग यहाँ पर अभी भी जी रहे हैं। और सबसे बड़ी समस्या क्या है कि पानी की समस्या। पानी की समस्या तो वैसे गया में पूरे ज़िले में है, पर जब से गंगा जल परियोजना शुरू हुई है तो शहर को पानी मिलता है, और सबसे बड़ी बात कि जो पाइपलाइन है वो यहीं से होके गुजरती है पाइपलाइन, लेकिन क्या है कि यहाँ के लोगों को उस पाइप से पानी नहीं मिलता है। हमारे साथ कुछ लोग हैं गांव के, क्या है बताइए, क्या नाम है आपका? बादशाह मांझी, बादशाह मांझी नाम मेरा है। यहाँ पानी के बहुत प्रॉब्लम है सर। गंगा जल तो इधर से होके गुजरती है। हाँ, गंगा जल मेरा रोड से गिए हैं, जहाँ खड़े हैं वहीं पर से गिए हैं, लेकिन यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, गंगा जल से कोई फायदा मेरा नहीं है। अच्छा, ये नल जल भी तो लगाया होगा ना यहाँ? हाँ, नल जल लगाए हैं सर, लेकिन टाइम टाइम पर कारगर पूरा मनु नहीं है। बरसात में कारगर होता है सर, कुछ चलता है, ये घड़ी काम चलता है। गर्मी में ज्यादा जरूरत है, गर्मी में नहीं। दूर जाना पड़ता है, करीब लगता है कि एक किलोमीटर से कम में आधा किलोमीटर जाना ही पड़ता है, तब वहीं से सब देखिए पानी लाता होता है। अच्छा, और क्या सुविधाएं मिलती है आपको सरकार से, कुछ मिला है क्या? मतलब जैसे कि 5 किलो अनाज मिलता है क्या आप लोगों को? 5 किलो 5 किलो 5 किलो में भी काट जाता, 5 किलो मिलता था, 4 किलो मिलता है, 1 किलो काट के लेता है। तो ये लोग जो हैं, ये सारे माझी समाज के लोग हैं, और अभी चुनाव का वक्त है, यहाँ पर जीतन राम माझी भी जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं बिहार के, वो भी उम्मीदवार हैं, और कुमार सरजीत जो कि कृषि मंत्री रहे हैं बिहार के, वो भी उम्मीदवार हैं आरजेडी से, महागठबंधन से। जीतन राम माझी जो हैं एनडीए से उम्मीदवार हैं। तो आप लोगों ने क्या मन बनाया है, क्या? हम लोग के पास कोई आए हैं कि किनके लिए मन बनाए, किन्हीं से भेंट नहीं है, दर्शन नहीं है, तो किनका मन बना दे? दर्शन जो देगा उसी को दीजिए। तो देखिए, जो हम लोग के लिए कुछ करेंगे, आके कम से कम भेंट। आज 10 बरस कोई संसद जीते आए हैं? हाँ, कोई नहीं आया, कोई नहीं। देखिए नहीं आप, वोट तो देवे करते हैं हम लोग, किसको के दे देते हैं? किसको देते हैं? मनोज क्या सोच के देते हैं ये बताइए। मतलब पहली बार तो वोट आप दे नहीं रहे हैं, इससे पहले भी कई बार दिए हैं, तो क्या सोच के देते हैं? देते हैं कि ये मुख्यमंत्री होना चाहिए, जैसे जीतन मांझी हो गया, जैसे नीतीश कुमार हो गए थे, समझे ना? नीतीश कुमार कुछ किए हैं? बहुत किए, लेकिन वही व्यवस्था हम लोग के कमी हो गया है। सही व्यवस्था है, वो नहीं हो रहा है। अरे वो रोड लाइन के लिए तो कर दिए व्यवस्था, कोई भी जानता है, बना दिए हैं, बहुत अच्छा काम किए हैं, लेकिन मेन बात है कि पानी की व्यवस्था नहीं की है। व्यवस्था यही है कि पानी के यहाँ बड़ी प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी समस्या। बाकी खाने पीने की समस्या तो नहीं है? नहीं, खाने पीने के तो दिक्कत नहीं है यहाँ, सबके पास अनाज। हाँ, जो अनाज कुछ न कुछ मिल जाता है, वही कटौती हो करके मिलता है सर। कुमार सरजीत का को नहीं जानते हैं आप लोग? आप नहीं? नहीं, हम लोग भी नाम, नाम तो सुनवे किए हैं, लेकिन नहीं अभी तक हम लोग कभी आए हैं नहीं, आएंगे तब देखेंगे उनको। जीतन राम माझी से उम्मीद है आपको कुछ करेंगे? देखिए आगे चल करके आएंगे दोनों पार्टी, आ करके कम से कम मिल। दोनों आएंगे तो वोट किसको दीजिएगा? देखिए वोट वही ना बोल रहा है कि किन्हीं से दर्शन नहीं है, तो वोट किनको दे? तो किनको दे? बहुत
तो आप लोग पॉलिटिशियन वाला बात कर रहे हैं। सहारा देंगे उन्हीं को वोट देंगे, उन्हीं को ना कुछ मिलेगा। अब तो कौन सहारा दिया है आपको? अभी तक तो दे रहे हैं वही भाई, वो नीतीश कुमार, रोड भी, लाइन भी, सब कुछ पीने के लिए। जो लाइन नहीं आता है तो बंद है, मोटर लाइन आता है तो चालू है, तो पानी पी रहे हैं। आप कुछ बोलिए, उसी से ना पीटा। बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं? बोलिए, आप बोलना चाहते हैं? समस्या बहुत समस्या है मंझोल में, कोई बहुत पानी की दिक्कत है, बहुत समस्या हो गया है, पानी की दिक्कत बहुत दिक्कत हो गया। ये जो कुछ महिलाएं भी खड़ी है यहाँ पर, क्या ये सब पानी लेके आते हो कहाँ? इतना बड़ा गांव में एक ही नल है, काट जाता है तो नहीं। अच्छा, सबसे तुम ही लोगों जाना पड़ता होगा पानी लाने के लिए? हाँ। पढ़ाई करती हो? हाँ। कौन क्लास में? आई नाइन। नाइन तो तू? टेंथ। स्कूल कहाँ नहीं गई आज? स्कूल जाना चाहिए था? आज काम था, घर के काम के लिए। हाँ, ढलैया हो रहा है, पानी का बहुत दिक्कत है। अच्छा, पढ़ाई वढ़ाई ठीक हो रही है? कहाँ कहाँ पढ़ते हो? मीडिया स्कूल। पढ़ाई ठीक होती है? हाँ, ठीक होती है। अच्छा, स्कूल जाना चाहिए ना, पानी के लिए नहीं जाती है स्कूल क्या? नहीं, घर बन रहा है तो पानी ढो रहे हैं, ढलैया। चलिए, तो ये समस्या, आप लोग भी कुछ बोल रहे थे? हाँ, बोल रहे थे। बोलिए ना। वोट तो खोलने लिए आए हैं, मेरा नाली का ढक्कन है, हम लोग तो इतना गंदगी में कुछ कहे के नहीं, कोई दम ना कोड़ा भी फैल जाएगा हम लोग का, समझ गए ना? तो कौन नाली, कौन वोट ले आए, कौन किसको दे? हाँ, पहले हम लोग तो देख ही नहीं रहा है, कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं देख रहा है। चलिए, हम लोग आवाज पहुँचाएंगे ना आपकी। जी, तो पहुँचाइए, जहाँ तक जाता वहाँ तक पहुँचाइए, बोलिए कि वजीरगंज प्रखंड से ऐसा बोल रहा था बात, महिला लोग के आया है। चलिए, तो वजीरगंज प्रखंड है ये, और यहाँ की समस्याएं आपने देखी ही, सब कुछ होते हुए भी मझौली गाँव और पानी की समस्या को सबने बताया ही, बच्चे जो है, बच्चियाँ जो है स्कूल नहीं जा रही है पानी के, और सबसे बड़ी बात को क्या है, साइड में नाला बहुत जरूरी, रोड खराब हो जा रहा है, हम लोग को जो नाली का जो पानी हम लोग को घर वाला गिरता है, रोड खराब होता है, और रोड के वजह से पब्लिक हम लोग को गाली भी दे के जाता है, कुछ भी करके जाता है, इसके लिए नाला भी चाहिए और पानी भी, दोनों चाहिए हम लोग को। चलिए, आपकी समस्याओं को हम तक पहुँचाएंगे, और तो ये मझौली गाँव में ये स्थिति है, यहाँ पर ज़्यादातर माझी समाज के लोग हैं, करीब 400 घर माझी का है, कुछ राजपूत भी यहाँ रहते हैं, कुछ अन्य जातियाँ भी हैं, और इनकी जो समस्याएं हैं, हम चाहते हैं कि ये जो भी जो सक्षम लोग हैं उन तक पहुँचे और इनकी समस्याओं का समाधान हो।